मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चयन का मापदंड केवल मेरिट है। बीते 3 वर्ष में 10 माह के भीतर प्रदेश के 4.25 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी का सपना साकार हुआ है। सभी नियुक्तियां शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता की प्रमाण हैं। एक भी चयन पर सवाल या संदेह नहीं किया जा सकता है। जो युवा चयनित हुए हैं उनकी प्रतिभा, क्षमता और मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई है। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा के 436 नव चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस कार्यक्रम में 6 नवचयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिला, जबकि कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े शेष नवचयनित युवाओं को स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए। नवचयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को सफलता की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सफलता ने आपके भीतर जिस आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाया है वह प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की झलक दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक की सेवा महज 6-8 घंटे की नहीं होती, बल्कि शिक्षक जीवन पर्यंत शिक्षक ही होता है। उन्होंने कहा कि भविष्य का भारत कैसा होगा, इसकी नींव यही शिक्षक अपनी कक्षाओं में रखेंगे। नवचयनित प्रवक्ताओं और अध्यापकों को समाज निर्माण की महती जिम्मेदारी का आभास कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शिक्षक अपने तय विषय के अलावा अन्य विषयों की जानकारी भी रखें, शासन की नीतियों और जन कल्याणकारी नीतियों को समझें और यथासंभव समाज के लोगों को लाभान्वित करें। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट और महाराजगंज आदि जनपदों के नवचयनित शिक्षकों से संवाद भी किया। सफल अभ्यर्थियों ने पूरी चयन व्यवस्था को शुचिता के साथ आयोजित होने की बात कही, साथ ही पारदर्शितापूर्ण चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार भी ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई भी कभी पूर्ण नहीं होता, हर गतिविधि कुछ न कुछ सिखाती है। शिक्षक होने के बाद भी हमें हमेशा कुछ नया अभिनव सीखते पढ़ते रहना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था महज किताबी ना रहे बल्कि व्यवहारिक बने, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं शिक्षकों की है। उन्होंने 4 फरवरी से शुरू हो रहे चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष और 15 अगस्त से देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों से अधिकाधिक छात्रों को जोड़ने के लिए नवचयनित शिक्षकों को प्रेरित भी किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि दशकों बाद देश में भविष्य की जरूरतों के मुताबिक नई शिक्षा नीति तैयार हुई है। यह नीति भारत को दुनिया में ज्ञान का केंद्र बनाने वाली है। ऐसे में यह जरूरी है कि हर शिक्षक नवीन नीति की भावनाओं से जुड़े। उन्होंने सभी नवचयनित शिक्षकों को नई शिक्षा नीति का अध्ययन करने की जरूरत बताई। संवाद के दौरान एक वाराणसी की अपर्णा पांडे और मुख्यमंत्री के बीच रोचक बातचीत भी हुई। संस्कृत प्रवक्ता पद के लिए चयनित अपर्णा से मुख्यमंत्री योगी ने संस्कृत में ही बातचीत की। योगी ने पूछा कि भवत्या नाम किम, जवाब में अपर्णा ने भी संस्कृत में जवाब देते हुए कहा मम नाम अपर्णा। इसके बाद सीएम योगी ने अपर्णा द्वारा कालिदास रचित कुमार संभवम पर उनके द्वारा लिखित टीका के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मार्च 2021 को जब वर्तमान राज्य सरकार 4 वर्ष कार्यकाल पूरा कर रही होगी तब 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि बीते 4.25 साल में करीब 15 लाख युवाओं को सीधे तौर पर सेवायोजित किया गया है, जबकि 1.5 करोड़ युवाओं को स्वतः रोजगार से जोड़ा गया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पारदर्शी तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। मनीषा देवी जी, आपको चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। श्रीमती प्रियंका सिंह सर, पत्नी श्री आदित्यनाथ सिंह, ग्राम प्रकोष्ठ बरवा राजा, नदुआ बाजार, जनपद महाराजगंज का है। उनका चयन प्रवक्ता इतिहास के पद पर हुआ है। क्यों प्रियंका सिंह जी, आपका चयन इतिहास के प्रवक्ता के रूप में हुआ है, जानकारी है ना आपको? सर प्रणाम।
आपको जानकारी है आपको ना? तो देखिए मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए एक लेक्चरर के रूप में अब आपको कार्य करना है, कार्य कर पाएंगी? जी सर, मैं 100% दूंगी। इससे पहले आप जो है क्या करते थे? सर मैं हाउसवाइफ थी। अच्छा, घर ही में रह के काम करती थी? जी सर, मैं घर से अपनी पूरी पढ़ाई की हूँ। आपने जो है कभी कोई पढ़ाने का अभ्यास किया भी है? नो सर। तो फिर कैसे आप पढ़ा पाएंगे विद्यालय में जाकर के, अगर अचानक विद्यालय में जा रही हैं तो? देखिए एक लेक्चरर के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिन बच्चों को आपको पढ़ाना होता है वे सभी बच्चे ऐसे होते हैं, वे सब टीनेजर्स हैं, यानी सब 12 से लेके 18 साल तक के बच्चे होंगे। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जब आप जाएंगी तो एक आत्मविश्वास से भरपूर आपको स्वयं अपने को साबित करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पर अपने विषय की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। जिस विषय पे आपको बच्चों को पढ़ाना होगा उस विषय की तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी जिस केवल यानी लेसन के बारे में नहीं, पूरे सब्जेक्ट के बारे में ही पूरी जानकारी की जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसके लिए अपने आप को तैयार करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। दूसरा ये है कि जिले में कोई भी विद्यालय आपको मिलेगा तो वहां चली जाएंगी कि फिर सिफारिश लेकर के आप लोग इधर उधर का चक्कर लगाएंगे कि नहीं साहब गांव के घर नजदीक किसी विद्यालय में मेरी नियुक्ति करवाइए? नहीं सर, जहां भी मिला है वहां पे अपना मन लगा करूंगी। कार्य कर पाएंगी ना? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर हमारे तीन, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। मेहनत से कार्य करिए, अपने आप को साबित करिए। देखिए एक महिला के लिए तो शिक्षक की नौकरी बहुत सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने परिवार को तो बनाई देती है, लेकिन साथ साथ वह पूरे समाज के निर्माण में भी अपना हाथ बटा करके सहयोगी बन सकती है, बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगला अभ्यर्थी हम लोग का है श्री अजय प्रकाश मौर्य, अयोध्या जनपद से हम लोग कनेक्ट होंगे। सर श्री अजय प्रकाश मौर्य पुत्र श्री गुरदीन मौर्य, ये सर बहुत बहुयानी योजना के व्यक्ति हैं, जिनका चयन अभी प्रवक्ता भौतिक विज्ञान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। इसके पहले ये डायट के प्रवक्ता के रूप में भी चयनित हो चुके हैं, लेखपाल के पद पर भी कार्य कर चुके हैं, और इनका चयन सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर भी हो चुका है। अजय प्रकाश, अजय जी। जी सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। तो आप तो लेखपाल की नौकरी कर चुके हैं, लेखपाल का मतलब यमराज को भी अब छकाने की क्षमता आप में आ चुकी है। शिक्षक के रूप में तो आपका जो है बहुत बड़ा रोल अब आपको आगे बढ़ाना है। चलिए बहुत सुंदर। लेखपाल के रूप में कितने दिन काम किया आपने? सर मैंने 1 साल काम किया। लेकिन लेखपाल के रूप में चयन होने के बाद तो व्यक्ति फिर शिक्षक बनना नहीं चाहता फिर तो? नहीं सर, मेरी प्रतिबद्धता भौतिकी विषय के साथ थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, विषय तो आपका बहुत अच्छा है कि आपने भौतिकी विषय के रूप में और आज प्रवक्ता के रूप में, लेक्चरर के रूप में आज आपका जो है चयन होकर के आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, और अयोध्या जैसे जनपद में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और वहाँ पे वहाँ के जनप्रतिनिधि श्री वेद प्रकाश जी के हाथों आज आपको वहाँ पे वहाँ के हमारे अन्य जो विधायकगण हैं इनके हाथों आपको वहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन आपका जो है सचमुच आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कि डायट के प्रवक्ता के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में, फिर लेखपाल के रूप में काम आपने किया, उसके बाद फिर आपने फिजिक्स के एक लेक्चरर के रूप में आज
आपका चयन आज हो रहा है और आज आपने फिर इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अब अपना समय लेक्चरर के रूप में ही लगाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है ना? जी सर, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। सर, मैं तीन शब्द कहना चाहूंगा इस प्रक्रिया के बारे में। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत ही त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी है। देखिए, यही स्थिति होती है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि इससे पहले भी लोगों ने देखी थी और उस समय क्या कुछ नहीं होता था। अरे, आपका तो डायट के प्रवक्ता के रूप में, लेखपाल के रूप में और सहायक अध्यापक के रूप में चयन हो चुका था, तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उन गरीब छात्रों को पूछिए, जिन बेचारों ने नौकरी के लिए, जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे जीवन भर की कमाई उन पर लगाने का प्रयास किया, अपने स्वयं की सुविधा की चिंता के बगैर अपने बच्चों की पढ़ाई में अपना पैसा खर्च किया, लेकिन उनके समय में, पिछली सरकारों के समय में नौकरी आती नहीं थी, और आती थी तो उसके साथ तमाम प्रकार के तामझाम लेकर के आती थी और उसके बाद किसी भी योग्य और गरीब बच्चे का चयन नहीं हो पाता था। आज इतने पारदर्शी तरीके से लोक सेवा आयोग काम कर रहा है और त्वरित गति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जनता ने उस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुने हैं और उस प्रकार के जनता ने जब जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे, उन जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार की सरकार बनाई है जो सही ढंग से काम कर सकती हो, रिजल्ट दे सकती हो, और उसका परिणाम है कि आपको भी देखो कितने, यानी कहां कहां से चयन की प्रक्रिया के साथ आप जुड़ रहे हैं। लेकिन आपने हमारा एक लेखपाल कम कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में अपने को साबित कर पाएंगे और खासतौर पर फिजिक्स जैसे विषय को लेकर के आपने एक प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है। अयोध्या जनपद के छात्र अवश्य आपकी प्रतिभा और आपकी जो है योग्यता का लाभ लेंगे। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत बधाई। बहुत त्या किम नाम सुंदरम, अति सुंदरम। आप बताइए अपर्णा जी, आपका चयन हुआ है संस्कृत प्रवक्ता के रूप में, आपके परिवार के सदस्य कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर, हमारे परिवार के सदस्य बहुत ही सुख का क्षण है यह हमारे परिवार के लिए सर, जो हमारे इतने दिन संस्कृत हमको जो प्राप्त हुई है, विरासत के रूप में प्राप्त हुई है, और हमारे माता जी भी अध्यापिका है, हमारे पति भी जो है वो अध्यापक है, आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन हो रहा है कि हम यहाँ उपस्थित आपके समक्ष वार्ता कर रहे हैं। और प्रवक्ता के रूप में हुआ है, आप सीधे लेक्चरर के रूप में आपका चयन हुआ है इसमें, जी, तो आपके लिए तो आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाएं और संस्कृत के क्षेत्र में तो बहुत सारी संभावनाएं वैसी भी रहती हैं। जी सर, बस आशीर्वाद दीजिए, इससे धीरे-धीरे उन्नति करते रहें। लेकिन संस्कृत में समस्या ये होती है कि विद्यालय जाने की स्थिति कम ही लोगों की हो पाती है, आप ऐसा तो नहीं करेंगे? बहुत सुंदर, आपने कुछ कार्य भी किया है। जी सर, हमने अन्य संगोष्ठियों में संभाग किया है, अभी मेरी हाल ही में कुमार संभवन प्रथम सत्र में महाकवि कालिदास की जो पुस्तक है उस पर हमने अपना प्रथम सत्र में टीका लिखी है। ठीक है, सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, संस्कृत के प्रवक्ता के रूप में आपके चयन के लिए आपका अभिनंदन, और आपके माध्यम से अन्य बालिकाएं भी संस्कृत पढ़ने के लिए अपने को तैयार करेंगी और इस फील्ड में अच्छा कार्य कर पाएंगी। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक विज्ञान केंद्र भी एक स्थापित किया है। देखिए, संस्कृत में जो संभावनाएं हैं
उन संभावनाओं के शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है वह स्कूल में या कॉलेज में अपने सामान्य पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ संस्कृत के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी लेना, उन लोगों के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ या वहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं अगर उनके साथ आप लोग सहभागी बन पाएंगे तो ये संस्कृत की भी, संस्कृति की भी और देश की भी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है ये आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को। बहुत बहुत बधाई। नागरिक शास्त्र के पद पर प्रवक्ता के रूप में चयनित हुई हैं। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। पढ़ना पड़ेगा। चित्रकूट में है, मानिकपुर चित्रकूट। चले जाएंगे वहाँ? आप थोड़ा पीछे हट जाएं। चले, बधाई आपको, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। अगला सर, अगले अभ्यर्थी हैं अनिल कुमार, अर्थशास्त्र के पद पर प्रवक्ता के पद पर चयनित। राजकीय इंटर कॉलेज रमुआपुर बहराइच में हुआ है आपका। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। चले जाएंगे वहाँ? जी सर। हैं, रहेंगे वहाँ? ऐसा तो नहीं सुबह जा रहे हैं दोपहर तक पहुँच रहे हैं फिर चल के वापस आ रहे हैं। वायुसेना में रहे सर, 20 साल वायुसेना में काम किया है। तीसरे अभ्यर्थी हैं शेख मोहम्मद अफसर, वाणिज्य के प्रवक्ता के पद पर चयनित हुए हैं। आओ जी, कहाँ घर है आपका? सर प्रयागराज। प्रयागराज के रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आजमगढ़ में आपका हुआ है, हैं? जी। पढ़ाएंगे वहाँ? जी जरूर। कादे से पढ़वाइए, ठीक है ना जी। कॉमर्स के शिक्षक हुए हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं भाई आप कॉमर्स के। ठीक है, फोटो ठीक नहीं है, आइए सेंटर में नहीं आना। अगली अभ्यर्थी हैं रेखा यादव जी, इतिहास के प्रवक्ता के पद पर। आइए रेखा जी, आपका अभिनंदन। आइए, कहाँ घर है आपका? अम्बेडकर नगर से हैं आप? किसको पकड़ सकते हैं? एक हाथ से कोई बात नहीं, हाथ से पकड़ लीजिए। तो वहाँ पे आपका चयन कहाँ? अम्बेडकर नगर में ही हुआ है आपका तो, हैं? तो वहाँ पढ़ाएंगे ना? बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। गुलाब देव जी, आप पकड़ के लेंगे। चयन की प्रक्रिया में सर हम लोगों ने दिव्यांग जनों को प्रथम परिभाषा दी। हाँ, ठीक किया सर। अगली हमारे अभ्यर्थी हैं डॉक्टर भाग्यवानी तिवारी जी, संस्कृत प्रवक्ता के पद पर इनका। आइए, आपका चंदौली में हुआ है जी। आप कहाँ? यहाँ से है, भदोही के रहने वाली हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, वहाँ रह करके पढ़ाएंगे ना? बहुत सुंदर, बधाई, अभिनंदन। हमारी नेक्स्ट अभ्यर्थी हैं वंदना जायसवाल जी, कला की सहायक अध्यापक के रूप में इनका चयन हुआ है। आपका, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मेरा जन्म स्थान तो चौरी चौरा है, मैं देवरिया के रहने, गोरखपुर के रहने वाले हैं आप। आपका तो नहीं, सिद्धार्थ नगर में। सिफारिश के लिए तो नहीं आएंगे ना? नहीं सर। आ गया सभी लोगों का, बधाई। सर एक विभाग के लोग भी सर आपका, चलो जल्दी इधर आ जाओ, इधर आओ, चलो आपको। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री और वह भी अध्यापक ही रही है श्रीमती गुलाब देवी जी, विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे
मेरे सहयोगी मंत्रीगण, मान्य सांसद और मान्य विधायकगण, नव चयनित प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के लिए प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और विभाग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, जब मैं बातचीत कर रहा था प्रदेश के नौ चयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों से, उनके आत्मबल को देखकर, उनके आत्मविश्वास को देख करके, और स्वाभाविक रूप से आत्मबल और एक आत्मविश्वास हमारे लिए, प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास रहा है पिछले पौने चार वर्ष के दौरान, आज हमारी सरकार को 3 वर्ष 10 माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 वर्ष 10 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाया जाए। इसमें किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता और प्रतिभा को सम्मान देंगे, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान देंगे और खास तौर पर शासन के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे, यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। लगातार इस कार्य को, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही सहायक अध्यापकों के 3,300 से अधिक पदों पर नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार के एक समारोह में किया था। इससे पहले 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया था, उससे पहले 54,000 की प्रक्रिया को पूरा किया था, यानी ये लगातार चल रहा। 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने पुलिस के भर्तियां संपन्न की थी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि लगभग 4.25 लाख से अधिक नियुक्ति सरकारी नौकरियों की निकली, भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, चयन की प्रक्रिया के बारे में कहां पेपर बन रहा है, कितने पेपर के सेट होने हैं, कहां कहां कौन पेपर जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनने हैं, हमें इससे कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी और गोपनीय होगी, और अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो फिर वहां पे कठोरतम कार्रवाई होती है, कठोरतम कार्रवाई। लोक सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद रहा हो या उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, सभी जगह उसी पारदर्शी तरीके से जहां हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वहीं निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। यानी निजी क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो 15 लाख से अधिक नौजवानों को तो हमने सीधे नौकरी दी है, 1.5 करोड़ नौजवानों को हमने रोजगार के साथ जोड़ा है,
इसी प्रकार से करोड़ों नौजवानों को स्वतः रोजगार की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उस इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और ये जो मिशन रोजगार का अभियान प्रदेश के अंदर है, आज की ये प्रक्रिया 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन का जो एक कार्यक्रम और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो पिछले 4.25 वर्षों से लगातार प्रदेश के अंदर चल रहा है। मैं आप सभी जितने भी हमारे आज प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण चयनित हुए हैं, मेरा उन सब से अपील होगा कि देखिए, सीखने की भी कोई सीमा नहीं होती है। और आप इसको, कोई भी व्यक्ति अपने को ये नहीं मान सकता कि मैं अपने फील्ड में पारंगत हूं। हर व्यक्ति को हर एक घटना से और अपने हर एक दिन की प्रत्येक गतिविधि से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। एक विराट क्षेत्र है और आपने इस विराट क्षेत्र में प्रवेश किया है। एक शिक्षक को अपने पाठ्यक्रम में पारंगत तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको देश समाज की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी से अपने आप को भरपूर करना होगा। एकांकी नहीं बनना होगा, अपने को सामाजिक जीवन से या राष्ट्रीय जीवन से आप काट करके एक सुयोग्य नागरिक देने की प्रक्रिया का पार्ट नहीं बना सकते। हमारे शिक्षण संस्थानों की स्थिति वैसे ही होनी चाहिए, जो संस्कारवान छात्र छात्राओं को तो वहां से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर ही सकें, लेकिन एक छात्र छात्रा के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान भी दे सकें। दुनिया के अंदर जितने अच्छे संस्थान हैं, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है और वहां का एक एक शिक्षक पार्ट टाइम जॉब नहीं करता है। भले ही आपकी तरह उसको स्थायी नियुक्ति पत्र ना मिलती हो, वह कॉन्ट्रैक्ट पर ही 3 या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करता होगा, लेकिन जिस दौरान काम कर रहा है उस दौरान 24 घंटे की ड्यूटी करता है। ये 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की ड्यूटी नहीं, 24 घंटे के लिए अपने को उपलब्ध रखता है और हर एक जिज्ञासा के प्रति, छात्र छात्रा की उस जिज्ञासा के प्रति जागरूक रहता है। अगर हमारे शिक्षक भी इस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, बहुत बड़ा कार्य आप कर पाएंगे। देखिए, आप लोगों को नियुक्ति पत्र ऐसे समय में मिल रहा है जब लगभग 34 वर्ष के बाद ये देश एक नई शिक्षा नीति को लेकर के आगे आया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश को 34 वर्षों के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया के अंदर ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, बशर्ते ये नई शिक्षा नीति केवल सरकार की योजना न बन जाए, बल्कि इसके साथ हमारे शिक्षकों को जोड़ना पड़ेगा, हर एक विद्यालय को जोड़ना पड़ेगा। और अच्छा होगा जो 436 नए शिक्षक आज चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, अपने विद्यालय ज्वाइन करने के साथ पहले उस ड्राफ्ट को, नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट का एक बार अध्ययन कर लें और फिर आप जब उस विद्यालय में जाएं तो वहां के प्रधानाचार्य से कहें कि साहब, अब मैं उसका एक पाठ बनना चाहता हूं जो यहां पे नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर अध्ययन करने के लिए आपने विद्यालय में बनाई है। अगर नहीं बनाई है तो उस विद्यालय में बनाइए। कैसे आप 21-22 में उस ड्राफ्ट को के अनुसार अपने विद्यालय को जोड़ पाएंगे, आप देखना व्यापक चेंज देखने को मिलेगा। अब शिक्षा केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का माध्यम नहीं बनेगी, व्यवहारिक ज्ञान का माध्यम भी बनेगी और इसको जोड़ने के लिए आपका उस ड्राफ्ट का अध्ययन होना आपका बहुत आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में एक नए सिरे से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अगर आप सभी इस पर कार्य कर पाएंगे तो बहुत बड़ा कार्य ये हो सकता है। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि हमारा काम केवल
पठन पाठन का ही नहीं होना चाहिए, सरकार की एक एक नीति और कार्यक्रम के जानकारी भी हर एक शिक्षक को होनी चाहिए। आयुष्मान भारत की योजना क्या है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की का कार्यक्रम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना क्या है, हमारी तमाम वेलफेयर की स्कीम चल रही हैं, समाज कल्याण विभाग से जुड़ी हुई तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, स्कॉलरशिप की स्कीम है या और भी तमाम प्रकार की स्कीम है, या रोजगार और स्वावलंबन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ ही आप देखेंगे स्टार्टअप की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट की भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लागू की है, हर एक जनपद के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान हमारा हो सकता है और उसमें नए स्टार्टअप स्थापित करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान है, स्वयं का कारोबार करना चाहता है, हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, उसको वहां तक पहुंचाने का योगदान दे, लेकिन तभी जब हम शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हों और हमें अपने विद्यालयों में इसके बारे में कार्य करना होगा। दूसरा, देखिए यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है, 4 फरवरी 21 से 4 फरवरी 22 तक चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आयोजित होंगे। घटना चोरी चोरा में हुई होगी, लेकिन चोरी चोरा की घटना को ध्यान में रख करके हरेक शहीद स्मारक पर हरेक विद्यालय में भी कार्यक्रम होने हैं। आप लोगों से मेरी अपील होगी कि अपने अपने विद्यालयों में भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ें, राष्ट्रभक्ति के गीत हो सकते हैं, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए आपके जनपद की घटना को लेकर के वहां पे चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन आप कर सकते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता का, निबंध लेखन का, डिबेट का, ये सभी आयोजन वहां पे विद्यालय स्तर पर हो सकते हैं, ये सभी कार्यक्रम वहां पे आपके द्वारा किए जा सकते हैं। दूसरा, 15 अगस्त 2021 से लेके 15 अगस्त 2022 तक देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं और 75 वर्षों की हमारी जो ये यात्रा रही है, इस यात्रा पर भी व्यापक कार्यक्रम बनने जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के साथ हम अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं, हर विद्यालय हर संस्था अपने आप को कैसे जोड़ सकती है, ये 436 शिक्षक तो अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे, 436 विद्यालयों में तो यही लोग मैसेज लेके जा सकते हैं कि विद्यालय की भी कमेटी होनी चाहिए, विद्यालय में भी स्वाधीनता दिवस से जुड़े हुए कार्यक्रम होने चाहिए, राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम होने चाहिए, क्रांतिकारियों के प्रति, बलिदानियों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए, और फिर हम उस परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, इससे हमें अपने आप को तैयार करना होगा। ये कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया एक रचनात्मकता को विद्यालय का केंद्र बना करके विद्यालय की गतिविधियों में आप व्यापक बदलाव ला सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप देश की स्वाधीनता के आंदोलन को देखते हैं तो आंदोलन में गति पकड़ी थी जब गांधी जी ने स्वदेशी को माध्यम बनाया, स्वदेशी का, ग्राम स्वराज का और स्वच्छता का, ये तीन आधार बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखना, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता, इन तीन आधारों पर हमारी पूरी की पूरी स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी गई है। अब इन तीन आधारों को लेकर के हम आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत काम कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के अभी से नए प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह चोरी चोरा की घटना को लेकर हर एक जगह, जो लखनऊ से जुड़े हुए लोग हैं काकोरी को लेकर के भी कार्यक्रम कर सकते हैं, काकोरी की घटना के दिन पे एक अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, या फिर अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कोई ना कोई शहीद स्मारक है, वहां पे सभी जगह कार्यक्रम होंगे, विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, हर एक स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, उसकी रूपरेखा भी से तैयार होनी चाहिए। हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, शिक्षा विभाग के साथ हम बैठने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज ये चयन की प्रक्रिया के साथ नए शिक्षक आए हैं, इन सभी से मुझे अपील है कि ये इसके साथ जुड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका एक शिक्षक के रूप में
अपने नए फील्ड में कार्य करने का आपका एक नया अनुभव होगा और आपको नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कार्य करने का भी एक नए अनुभव के साथ एक नया उमंग और नया उत्साह आपका देख करके अन्य लोग प्रेरित होंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जितने भी हमारे शिक्षक आज चयनित हुए हैं 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर जिन विद्यालयों में अभी तक शिक्षक नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर हम लोग निश्चित मानदेय पर शिक्षक रख करके वहां पे बच्चों के लिए उनके पठन पाठन में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस न हो इसके लिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन ये 436 नए शिक्षक आने से काफ़ी बड़ी समस्या का समाधान होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास कर पाएंगे। एक बार फिर से 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 9 चयनित शिक्षकों को हृदय से बधाई देते हुए उनके सभी परिवारजनों के प्रति उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।